हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट पनीर का पराठा। वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो चलिए हम फटाफट से पनीर का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पनीर, अब हम प्याज ले लेंगे, हरी मिर्च ले लेंगे, अदरक और लहसुन ले लेंगे, और अब हम इसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, आमचूर पाउडर ले लिया है, धनिया पाउडर ले लेंगे, जीरा पाउडर ले लेंगे, नमक डाल दीजिए स्वादानुसार, और हम ले लेंगे गरम मसाला, चाट मसाला ले लीजिए, और यहाँ पर हम लेंगे धनिया पत्ती। अब हमें इसे मिला लेना है। ये पनीर के मसाले में हम 8 से 10 पराठे आराम से बना सकते हैं। तो ये हमारा पनीर का मसाला रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। चलिए हम आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप आटा लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मिला दीजिए इसे, और अब हम ले लेंगे पानी। पानी आप एक बार में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा कम ही डालें। और अब हमें सॉफ्ट डो रेडी करना है। जैसा आप चपाती के लिए आटा लगाते हैं, उसी टाइप का हमें आटा लगाना है। आप जितना आटा को मलेंगे आटा, उतना ही हमारा जो डो है वो सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे तेल, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे पंचेस मारेंगे आटे में, इससे हमारा जो आटा है और सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये 15 मिनट्स हो चुके हैं, और अब हम इसे छोटे छोटे से बॉल साइज़ में ले लेंगे, और अब हम इसे मोटी सी चपाती बेल लेंगे। ये हमने आटा ले लिया है, और अब हमें बेलना है चपाती। अब हमें इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे। और ये हमारी चपाती रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके ऊपर लेंगे घी। आप यहाँ पर तेल का यूज़ ना करें, घी ही यूज़ करें। और हमने जो पनीर का मसाला बनाया था वो अब हम ले लेंगे, और इसे हमें पूरी चपाती पे स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर लेंगे हमारी जो दूसरी चपाती बनी हुई है वो, और इसे हमें सील कर देना है बिल्कुल इसी टाइप से। इससे हमें पराठा बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप इस टाइप से पराठा ज़रूर ट्राई करिए। और इसके ऊपर हम ले लेंगे थोड़ा सा आटा, और इसे अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, और अब हमारा पराठा रेडी है। यहाँ पर हमने तवे के ऊपर घी लगा दिया है, फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रखना है, और हमने जो पराठा बनाया था वो हम तवे पर डाल देंगे। और अब हम इसे दोनों साइड से पका लेंगे। चलिए अब हम पलट देते हैं। तो ये हमने पलट दिया है, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे घी। आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी का टेस्ट बहुत अलग आता है। और अब हम इसे एक बार फिर से पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। आप इस टाइप से ज़रूर सर्व करिएगा, और उसके बाद गर्मा गर्म खाइए। है ना पनीर का पराठा बहुत ही सिंपल, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पनीर का पराठा रेडी है। तो देख लिया ना आपने, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर का पराठा बनाया है, और बहुत ही जल्दी बन गया। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी पनीर का पराठा कैसा बना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।